सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के बग्घा नाला के पास आज जिले की स्वाट टीम व चौपन पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर तलाशी के दौरान 500 ग्राम हीरोइन जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए बताई जा रही है के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि सोनभद्र पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आज जिले की स्वाट टीम और चौपन थाना पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि तीन लोग 50 लाख का हेरोइन के साथ चौपन थाना क्षेत्र के बग्घा नाला के पास सप्लाई करने के लिए लेकर जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना के बाद स्वाट टीम और चौपन थाना पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए तीनों को धर दबोचा, जिनके नाम नीरज कुमार सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी ग्राम सरसों मिर्जापुर, महेंद्र बिंद पुत्र राधे श्याम बिंद थाना मढ़ियान मिर्जापुर व रवि सोनकर पुत्र कमला सोनकर निवासी ग्राम कोटवा थाना शाहगंज सोनभद्र के बताए जा रहे हैं। इस कार्रवाई से सभी पुलिस के अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। सोनभद्र से शक्तिपाल की एक रिपोर्ट। मादक पदार्थों की कितने मात्रा में बरामद हुआ है, कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या कार्रवाई की जा रही है? आज चौपन थाना क्षेत्र में करीब 500 ग्राम हीरोइन पकड़ी गई है। तीन मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस मादक पदार्थ की कीमत लगभग 50 लाख के आसपास बताई जाती है। ये आज सूचना मिली थी तड़के कि तीन लोग हैं जो कि मादक पदार्थ की सप्लाई करने के लिए लेकर के जा रहे हैं, और इस सूचना पे जो हमारे स्वाट प्रभारी हैं प्रदीप सिंह और जो सर्विलांस प्रभारी हैं सुश्री सरोजमा सिंह, इन लोगों के पास पुख्ता जानकारी थी और टेक्निकल डेटा था और इस पर काम ये लोग काफ़ी समय से कर भी रहे थे, और इसको इन्होंने शेयर किया और उस निरीक्षक श्री नवीन तिवारी के नेतृत्व में इन लोगों ने तीन लोगों को पकड़ा है। इनके नाम नीरज कुमार सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह सरसों ग्राम सरसों थाना मरिहान मिर्जापुर, महेश बिन पुत्र राधेश्याम ये थाना मरिहान मिर्जापुर, और रवि सोनकर पुत्र कमला सोनकर ये निवासी है कोटवा थाना शाहगंज सोनभद्र। ये लोग इन लोगों से पूछताछ हुई है तो उसमें काफ़ी अहम जानकारी हम लोग को मिली है, और इस पूरी कार्रवाई का प्रवेक्षण हमारे एडिशनल स्पीकर रहे थे हेडक्वार्टर और COCT के बहुत ही क्लोज सुपरविजन में ये कार्रवाई पूरी की गई है, और जो हम लोगों के पास अहम जानकारी मिली है इसका हम लोग आगे भी इस्तेमाल करेंगे और आपको निकट भविष्य में और भी इस तरह के अच्छे काम की जानकारी मिलेगी, सूचना मिलेगी।